आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि ये जानना चाहते हैं फ्लिपकार्ट पेलेट क्या है, इस पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसे क्या क्या बेनिफिट मिलता है, इसे प्रोडक्ट परचेज कैसे करते हैं एंड इसका बिल पेमेंट कैसे करते हैं। तो आज के इस जो इसी टॉपिक हम बात करने वाले ए टू जेड जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को देखते रहिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्लिपकार्ट पे लेटर होता क्या है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पे लेटर में एक ऑप्शन मिलता है, जैसा कि आपको नेम से ही पता चला है पे लेटर, मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर आप इस महीने में परचेज करते हो ना, तो इसका जो बिल पेमेंट है आप वो अगले महीने में कर सकते हो, जैसे क्रेडिट कार्ड में होता है ना। सिंपली से बिल्कुल भी ये भी एक ऐसा ही ऑप्शन है, जिससे कि कोई भी प्रोडक्ट अभी परचेज करो एंड इसका बिल पेमेंट आपको अगले महीने में करना होता है। तो हम आपको एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि मान लेते हैं कि अभी जनवरी का महीना चल रहा है और इस महीने में कोई भी परचेज किए पास पैसा नहीं, तो इसलिए हम पे लेटर का यूज करके कोई प्रोडक्ट परचेज किए हैं और इसका बिल पेमेंट हमें कब करना, वो जब अगले महीना आएगा ना, फरवरी आएगा ना, उसके स्टार्टिंग के जो 5 दिन होता है ना, उसके अंदर ही मुझे इसका बिल पेमेंट करना होगा। तो अब हम बात करते हैं कि फ्लिपकार्ट पे लेटर ने इसको एक्टिवेट कैसे करना है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है जो कि इसी पेज का है। अगर आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो डायरेक्ट वहीं पर पहुंच जाओगे जहां से अकाउंट एक्टिवेट करना है। तो आप सिंपली से करना कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया उसके ऊपर टैप करना है। लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे बोला जाएगा कि अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है। तो आपका जोन सा भी पैन नंबर होगा ना, वो सिंपली से यहाँ पे डाल दीजिएगा एंड उस पर नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आप अपना आधार नंबर डालिए। तो आपका जो आधार नंबर होगा ना वो डाल दीजिएगा एंड उसके बाद आपके जो आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है और फिर से कंटिन्यू को पर क्लिक करना। जैसे आप कंटिन्यू को पर क्लिक करोगे ना, देन उसके बाद आपको बोला जाएगा कि केवाईसी करने के लिए, जैसे आधार कार्ड से केवाईसी होता है ना, उस तरह से आपको एक डिजिटल केवाईसी करना होगा। इसके लिए आप एक कैप्चा कोड, सबसे पहले आपको आधार नंबर डालना होगा एंड उसके नीचे में आपको एक कैप्चा कोड मिलेगा, कैप्चा डालना है एंड उसके बाद फिर से आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है एंड उसके बाद आपको करना क्या, सिंपली से आप नीचे वेरीफाई है ना, इसके ऊपर टैप करना है। जैसे आप वेरीफाई के ऊपर टैप करोगे देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खोल के आ जाएगा, जहाँ पे आपको एक पिन सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो 4 अंक का कोई भी पिन यहाँ पे आप डाल सकते हो, जो कि प्रोडक्ट परचेज वगैरह करोगे ना उस टाइम आपको ये पिन आपको याद रखना होगा। जैसे आप नेक्स्ट करोगे उस पर आपका जो पूरा डिटेल हुआ वो खुल के आ जाएगा कि आपका नेम क्या है, DOB क्या है, आपका घर वगैरह जितने एड्रेस है ना, सब कुछ खुल के आ जाएगा। तो उसके बाद आपको करने के नीचे में एग्री एंड सबमिट है ना, उसके ऊपर टैप करना है। जैसे आप एग्री एंड सबमिट के ऊपर टैप करोगे देन यहाँ पे बैंक डिटेल पूछा जा रहा है। बैंक डिटेल इसलिए लिया जा रहा है कि आपका लिमिट चेक कर रहा है कि आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे लेट पे के अमाउंट मिलेगा, उसका आप यूज कर सकते हो। तो सिंपली से यहाँ पे आपका UPI ID डालना होगा। तो सिंपली से मैं अपना UPI ID डाल देता हूँ और उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट करेंगे ना, तो हमारे UPI ID पे 1 रुपये भेज के चेक किया जाएगा कि मैंने जो UPI ID डाला वो सही है कि नहीं। तो हमारे अकाउंट में 1 रुपये आ चुके हैं एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें 1000 रुपये का क्रेडिट मिला है, मतलब 1000 रुपये तक हम कोई भी प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं और उसका पेमेंट हम अगले महीने में कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम जितना ज़्यादा यहाँ पर ट्रांजेक्शन करेंगे ना पे लेटर में, वैसे वैसे मेरा क्रेडिट बढ़ते जाएगा। कभी 5000 होगा, फिर 10000 होगा, फिर 50000 होगा, ऐसे करके मेरा क्रेडिट बढ़ते चला जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें 1000 रुपये का क्रेडिट मिल चुका है और हमारा जो फ्लिपकार्ट पे लेटर का अकाउंट है ये सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। एंड अब हम बात करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट परचेज कैसे करना है। तो मैंने एक प्रोडक्ट ओपन किया, यहाँ से बाय नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड उसका पेमेंट मेथड में आप सिंपली से फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन आता है ना, उसको सेलेक्ट करना है। देन आपका जो फ्लिपकार्ट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर फर्स्ट टाइम आपको एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर डाल देना है और नीचे में जो आपका अमाउंट है 0 हो जाएगा और आपको प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है। आप देख सकते हो कि हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली लग चुका है, मतलब इसी तरह से आप कोई प्रोडक्ट बाय कर सकते हो फ्लिपकार्ट पे लेटर का यूज करके। एंड अब हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर है ना, इसका जो बिल पेमेंट होता है वो कैसे करेंगे। जैसे इस महीने मैंने शॉपिंग किया तो अगले महीने इसका बिल भी पेमेंट करना होगा ना, तो कैसे करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम फ्लिपकार्ट पे लेटर में आएंगे तो आप देख सकते हो कि सितंबर महीने का ड्यू पेमेंट 214 रुपये बता रहा है। तो ड्यू के ऊपर क्लिक करना, जैसे आप ड्यू के ऊपर क्लिक करोगे ना देन आपको बोला जाए कि आप पेमेंट कैसे करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर UPI से। तो हम UPI सेलेक्ट करते हैं और मेरा जो UPI वो यहाँ पे हम डाल देते हैं एंड उसके बाद
तो आप जो भी UPI ID डालोगे उस पे नोटिफिकेशन जाएगा पेमेंट के लिए। तो मैंने फ़ोन पे अगर डाला था तो फ़ोन पे ओपन करते हैं और यहाँ पे देख सकते हो कि 214 रुपये बोला है पेमेंट के निकले। तो पे के ऊपर क्लिक कर अपना पिन यहाँ पे एंटर करते हैं। जैसे हम पेमेंट सक्सेसफुली किए ना, आप देख सकते हो कि हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। एंड उसका सिंपल से आपको जाना है फ्लिपकार्ट पेलेट में। 5-10 मिनट के बाद आप जाके चेक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो बिल है 0 हो चुका है और आपका जो क्रेडिट है फिर से 1000 हो चुका है। तो अगर आप 3 बार बिल का पेमेंट कर देते हो ना तो आपका लिमिट बढ़ा दिया जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके बता सकते हो। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो फिर मिलते हैं कल और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।